रेस्टोरेंट की पहचान उसकी खास सर्विस या डिशेस से होती है। यही वजह है कि खाने के शौकीन लोगों की भीड़ इन रेस्टोरेंट्स में हर वक्त लगी रहती है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जो अपनी अजीबोगरीब थीम की वजह से भी मशहूर है। ये अजीबोगरीब रेस्टोरेंट किसी अजूबे से कम नहीं। इन रेस्टोरेंट्स में खाने के साथ साथ ग्राहकों को मोहित करने वाले अनेकों तरह की अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही 10 अजीबोगरीब रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। काकाबुकिया टेवन, जापान। काकाबुकिया टेवन नाम का ये रेस्टोरेंट जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। इस रेस्टोरेंट में दूर दूर से लोग वेटर्स को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में खाना परोसने का काम कोई पुरुष या महिला नहीं करते, बल्कि ये काम बंदरों के द्वारा किया जाता है। इस रेस्टोरेंट के मालिक ने बंदरों को इस कदर से तैयार किया है कि वो आपको आपके ऑर्डर के अनुसार सही खाना लाकर देंगे। साथ ही हाथ साफ करने के लिए तौलिया भी बंदर ही लाकर आपके हाथों में खुद देंगे। इन बंदरों का फायदा मालिक को इस रूप में है कि बंदरों के इन कामों के लिए ना तो उन्हें कोई सैलरी देनी पड़ती है, और साथ ही लोग बंदरों के काम करने के तरीके को देखने के लिए भारी संख्या में इस रेस्टोरेंट का रुख करते हैं, जिससे ये बंदर कमाई का एक बेहतरीन जरिया बन चुके हैं। प्रिजन थीम रेस्टोरेंट चीन। प्रिजन थीम रेस्टोरेंट चीन के तियाजीन शहर में है। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका लुक एक जेल जैसा है। यहाँ आलीशान रूम के काउंटर पर नहीं बल्कि सलाखों के पीछे टेबल पर खाना परोसा जाता है। जेल में बंद किसी कैदी की तरह ही यहाँ पर लोग सलाखों के पीछे बैठकर खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट स्टाफ भी कैदी और जेलर की ड्रेस में ही मेहमान नवाजी करते हैं। आप भी इस रेस्टोरेंट में बिना जुर्म किए ही जेल की हवा और टेस्टी फूड खा सकते हैं। आइस रेस्टोरेंट दुबई। इस रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से बर्फ से बनाया गया है। यहाँ की हर चीज, टेबल, कुर्सी, सजावट का सामान, सब कुछ बर्फ का बना है। इस रेस्टोरेंट में दुबई में गर्मियों से बचने के लिए इसको बनाया गया है। दुबई की गर्मी से परेशान होने के बाद अक्सर लोग यहीं पर आते हैं। यहाँ पर आपको अंटार्कटिका जैसी ठंडक का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान हमेशा 0 डिग्री से कम होता है। इस रेस्टोरेंट में आने वाला व्यक्ति हमेशा एक जैकेट पाता है, जो कि इस रेस्टोरेंट में आपको ठंड से बचने में मदद करता है। खास बात यह है कि यहाँ पर आपको सिर्फ बर्फ से बनी चीजें ही मिलती हैं। न्यू लकी रेस्टोरेंट भारत। न्यू लकी रेस्टोरेंट भारत के अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ आने से पहले व्यक्ति को बहुत बार सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राहकों को कब्रों के बीच में खाना परोसा जाता है। इस रेस्टोरेंट को एक पुरानी कब्र के ऊपर बनाया गया है। इसमें कुल मिला के 12 कब्रें मौजूद है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये कब्र किन की है। इस रेस्टोरेंट के मालिक के अनुसार, जब उन्होंने इस रेस्टोरेंट को खोलने के बारे में विचार किया, तो उन्होंने वहाँ से उन कब्रों को हटाने की बजाय वहीं पर आसपास में ही कुर्सियाँ और मेज रख दिए। इसी वजह से ये जगह लोगों को और भी ज्यादा आकर्षित करती है, और यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं और बिना किसी डर के खाना खाते हैं। सुबह इस रेस्टोरेंट के खुलते ही कब्रों की साफ सफाई की जाती है और उन पर फूल चढ़ाए जाते हैं। हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट अमेरिका। हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट अमेरिका के लास वेगास में है। यहाँ के शेफ डॉक्टर की ड्रेस में होते हैं, महिला वेटर्स नर्स की ड्रेस में, और यहाँ पर जो मेहमान आते हैं उनको पहननी पड़ती है अस्पताल वाली ही ड्रेस, वो भी मरीजों वाली। खाने में आपको यहाँ पर लाइन फ्राइज, बाईपास बर्गर और कोरोनरी हॉट डॉग दिया जाता है। द मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट जापान। जापान किस अजीबोगरीब रेस्टोरेंट ने तो हद ही पार कर दी है। इस रेस्टोरेंट में सभी चीजें टॉयलेट के रूप में की जाती है। यहाँ बर्तनों की जगह टॉयलेट में काम आने वाली चीजें जैसे कि फ्लश शीट, बाथटब, मग आदि का प्रयोग किया जाता है। होटल के अंदरूनी भागों को भी एक टॉयलेट की तरह ही सजाया गया है। यहाँ आने वाले ग्राहकों को टॉयलेट सीट पर ही बैठकर खाना खिलाया जाता है। उन्हें फ्लश शीट पर, बाथटब, मग जैसी चीजों में खाना दिया जाता है। स्काई रेस्टोरेंट बेल्जियम। अगर आपको आसमान में बैठकर खाना खाने का मौका मिले, तो क्या आप ये मौका अपने हाथ से जाने दोगे? अगर नहीं, तो आपको बता दें कि बेल्जियम का एक अकेला रेस्टोरेंट है जो हवा में लटका हुआ है। यहाँ पर आपको क्रेन की मदद से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक डाइनिंग टेबल पर बैठाया जाता है, और फिर यहाँ पर बैठकर लोग खाना खाने के साथ साथ दूर दूर तक का नजारा भी ले सकते हैं। द रोबोट रेस्टोरेंट भारत। ये अनोखा रेस्टोरेंट भारत के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। इसमें मुख्य काम 7 रोबोट की टीम के द्वारा किया जाता है। होटल के रिसेप्शन पर भी रोबोट ही लोगों का स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित एक रोबोट की कीमत तकरीबन 5 लाख तक है। होटल के अन्य कर्मचारियों को इनके साथ काम करने के लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है।
इस रेस्टोरेंट के मालिक के अनुसार इन रोबोट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि ग्राहक से ऑर्डर प्राप्त करने के बाद वो शेफ को देते हैं और सही ऑर्डर ग्राहक की टेबल पर पहुंचा देते हैं। ओबाक्यू कैफे। ओबाक्यू कैफे नाम का यह अजीबोगरीब रेस्टोरेंट वेस्ट हॉलीवुड में है। यहाँ पर अंधेरे में खाना सर्व किया जाता है। यही नहीं, यहाँ के सभी वेटर्स भी नेत्रहीन हैं। हालांकि अंधेरे कमरे में खाना खाने में लोगों को अलग ही आनंद आता है और यही वजह है कि यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आते हैं। कैट कैफे रेस्टोरेंट जापान। कैट कैफे रेस्टोरेंट अनोखे अंदाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आमतौर पर सभी प्रसिद्ध देशों में कैट कैफे खुले हैं, लेकिन जापान में भी एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में अलग अलग नस्ल की खूबसूरत बिल्लियां मौजूद है जो कि कैफे में आए हर व्यक्ति का अलग तरीके से स्वागत करती है और उनके मनोरंजन का माध्यम बनती है। इन बिल्लियों को एक विशेष ट्रेनिंग दी गई है जिससे वो व्यक्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं। साथ ही कैफे के अन्य कर्मचारियों को भी बताया कि बिल्लियों से कैसा व्यवहार करना है। इन बिल्लियों की विशेष बात ये है कि ये ग्राहकों के साथ साथ खुद भी कॉफी पीती हैं। आपको इन रेस्टोरेंट्स में से कौन सा रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छा लगा और कहां पर आप जाना चाहेंगे सबसे पहले, उस बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही आपको ये जानकारी कैसी लगी उस बारे में भी जानकारी जरूर दें। और आप तक ऐसी और भी कई खबरें जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे। हर रात 9 बजे इसी चैनल के साथ बने रहिए।